वेलकम बैक टू चॉर्ट्स कास्ट वॉचिंग वैसिटेक। सो गाइस यहां पे इस समय जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जितने भी टेलीकॉम कंपनी है यहां पे गाइस ये लॉकडाउन के तहत बहुत सारे यूजर्स के लिए मदद करती हैं, बहुत सारा हेल्प करती हैं। क्योंकि गाइस यहां पे भारत के जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाइस यहां पे ऑफलाइन रिचार्ज कराते हैं, तो इनसे गाइस यहां पे जब सारी शॉप्स बंद हो गए मार्केट, तो यहां पे गाइस जो यहां पे इनके टेलीकॉम कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है यहां पे रिचार्ज की, यहां पे 35% यहां पे घट गई है। तो यहां पे गाइस यहां पे जो ये टेलीकॉम कंपनियां हैं इसमें से गाइस चार ऐसी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो कि गाइस अपने यूजर्स को मदद करती हैं, उनको गाइस यहां पे फ्री सर्विस देती है, यहां पे कुछ टॉक टाइम का देती हैं, कुछ यहां पे गाइस वैलिडिटी का ऑप्शन देती है। तो यहां पे गाइस आप बहुत से यूजर्स को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या होता है और ये कैसे हमें मिला और ये कब तक वैलिडिटी रहेगी और कैसे कैसे लोगों को मिलता है। सो गाइस इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यहां पे ये जो चार कंपनियां गाइस ये लोगों को कैसे मदद कर रही हैं, कैसे लोगों को फ्री वैलिडिटी एंड फ्री टॉक टाइम दे रही हैं जिससे लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है। सो इस वीडियो में आपको इसके बारे में बात करेंगे। सो इसके लिए आप इस वीडियो देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चले गए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे चार ऐसी कंपनियां हैं जो कि गाइस अपने यूजर्स को लॉकडाउन के तहत मदद करती है, जो कि गाइस जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया एंड यहाँ पे BSNL। तो यहाँ पे यही चारों कंपनियां हैं भारत की टेलीकॉम कंपनियां जो कि गाइस बहुत अच्छी खासी चलती भी हैं और यूजर्स बहुत ज़्यादा इसके हैं। तो यहाँ पे गाइस ये चारों कंपनी गाइस लोगों को बहुत ही अच्छे प्रकार से मदद करती हैं, यहाँ पे गाइस कई प्रकार से यहाँ पे हेल्प करती है। जैसे गाइस यहाँ पे उनको फ्री में वैलिडिटी देती हैं जिसके अलावा गाइस वहाँ पे उनको फ़ोन में इनकमिंग कॉल आ सके। इसके अलावा गाइस उन लोगों को जिनका रिचार्ज नहीं हो पा रहा है उनको यहाँ पे 10 रुपये का टॉक टाइम देखती है ताकि गाइस वो इमरजेंसी में कहीं से कॉल कर सकें या फिर उनको कहीं से कॉल आ सके। तो इस प्रकार से गाइस यहाँ पे ये जो चारों टेलीकॉम कंपनी ये गाइस अपने यूजर्स को हेल्प करती हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें गाइस आपको एक वैलिडिटी का ऑप्शन जो रहता है गाइस यहाँ पे इसका 17 अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी रहती है जो कि गाइस मतलब कि कंपनी द्वारा आता है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो वैलिडिटी है उनके सिम का वो गाइस 17 अप्रैल 17 अप्रैल तक है, उसके बाद वैलिडिटी खत्म हो जाती है इनकमिंग सेवा की। यहाँ पे गाइस जो लोग मतलब कि रिचार्ज नहीं करा पा रहे उनको लिए यहाँ पे 10 रुपये का टॉक टाइम देती है और ये टॉक टाइम गाइस उस हिसाब से आता है जहाँ पे गाइस अगर लोग मतलब कि 22 मार्च जो कि गाइस 22 मार्च से पहले उनका रिचार्ज नहीं हुआ है या फिर गाइस 22 मार्च तक उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो यहाँ पे गाइस उनको यहाँ पे 10 रुपये का टॉक टाइम मिलता है। लेकिन गाइस यहाँ पे एयरटेल में क्या होता है कि एयरटेल में गाइस जिनकी आय बहुत कम है मतलब कि जिनकी एज गाइस यहाँ पे 20 से 25 के बीच में है उनको यहाँ पे गाइस एयरटेल में 10 रुपये का टॉक टाइम दिया जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस मेरे गाँव बहुत सारे लोगों को ऐसे टॉक टाइम मिले हैं जिनकी एज इससे कम है। तो इस प्रकार से गाइस बहुत से लोगों को यहाँ पे टॉक टाइम मिल रहा है जिससे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या है और कैसे हमें फ्री सर्विस मिल रहा है। यहाँ पे गाइस एक्चुअली जियो फोन में भी आपको बहुत सारे जियो ऑफर दिए हैं। जियो फोन में क्या होता है गाइस जियो फोन में आपको 17 अप्रैल तक वैलिडिटी तो है इनकमिंग कॉल की। इसके अलावा गाइस इसमें आपको 100 मिनट यहाँ पे फ्री कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि नॉन जियो कस्टमर के लिए आप 100 मिनट तक फ्री कॉलिंग का ऑप्शन इसमें मिलता है। इसके अलावा 100 SMS भी भेजा जा सकता है जो कि फ्री में मिलता है। यहाँ पे अगर BSNL की बात करें तो BSNL में जो वैलिडिटी दी गई है वो गाइस आपको 20 अप्रैल की दी गई है, यानी कि सारी टेलीकॉम कंपनियां 17 अप्रैल की दी हैं लेकिन BSNL 22 अप्रैल मतलब कि 22 अप्रैल तक गाइस अपनी वैलिडिटी दे रही है अपने कस्टमर को। इसके अलावा गाइस BSNL भी गाइस अपने मतलब बहुत सारे कस्टमर को 10 रुपये का टॉक टाइम दे रही है जिनका रिचार्ज 22 मार्च से पहले का हुआ है, वैलिडिटी खत्म हुई है। तो अपने सारे कस्टमर को BSNL भी प्रोवाइड कर रहा है, सारी टेलीकॉम कंपनियां अपने अपने यूजर्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें से गाइस चार ही कंपनियां मेन है जहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया एंड BSNL और ये गाइस सारे यूजर्स को मदद कर रही है। तो यहाँ पे गाइस अगर आपके पास आपके सिम में या फिर कोई सिम आपकी बंद पड़ी अचानक चालू हो गई उसमें बैलेंस आया तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप समझ जाइए कि गाइस आप में इसमें से कोई ना कुछ हुआ है, तो उस कंपनियों ने फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करी है। और गाइस ये कुछ है इसके बारे में जो कि गाइस यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनी है लॉकडाउन के तहत अपने सारे यूजर्स का हेल्प कर रही है। और आई होप गाइस कि मैंने ये जो वीडियो बनाया इसमें जो समझाया इससे बहुत से लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया, बहुत से लोगों को पता भी चल गया होगा कि ये फ्री रिचार्ज सर्विस कैसे आ रहा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद होगा, वीडियो लाइक तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।